Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. So, अभी मैं जा रहा हूँ मसूरी से देहरादून की तरफ और रास्ते में आता है एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है हकुना मताता कैफ़े एंड रेस्टोरेंट. हकुना मताता कैफ़े एंड रेस्टोरेंट नाम थोड़ा सा ट्रिकी है, बट द प्लेस इज़ रियली गुड. आप देखो ये मैं अभी इस रेस्टोरेंट के टॉप पे बैठा हूँ और सामने ये नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत और पीछे भी देखो काफ़ी कलरफुल वाइब है और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप टूवर्ड देहरादून जाएंगे मसूरी से. ज़रूर मस्ट विज़िट कैफ़े है, मतलब मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड. एंड अभी हम ऑर्डर करने वाले हैं. तो ब्रदर यहाँ का क्या स्पेशल है, मतलब अगर हर रेस्टोरेंट में कुछ पर्टिकुलर फूड होता है जो स्पेशल होता है जी, यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है? सर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेशल में कुरकुरे मोमो मिलेंगे आपको, जो कि वेज भी और नॉन वेज दोनों स्पेशल है. ग्रेट. और एक हमारे यहाँ लहसुनिया पराठा बनता है जो कि काफ़ी स्पेशल है. okay. काफ़ी लोगों को पसंद आया और काफ़ी. लहसुनिया पराठा अच्छा, मान लें गार्लिक पराठा. हाँ जी जो कि काफ़ी लोगों को बहुत बेस्ट लगा, बहुत पसंद आए. और प्लस में हमारे शेक्स वगैरह हो गए. शेक में क्या क्या वैरायटी होगी? जैसे शेक हो गए, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया हमारा, वनीला शेक हो गया, बटर स्कॉच हो गया और चॉकलेट हो गया, ओरियो शेक हो गया. ओके. और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह हमारी. आपको जैसे कि आप बता रहे हैं आपको ड्रिंक में तो काफ़ी वेराइटीज़ हैं जी. और मोमोज के अलावा अगर लेट्स से जैसे मोमोज लंच करना है, लंच में सर आपको जैसे वेज फ्राइड राइस मिल जाएगा, वो भी हमारे यहाँ का बेस्ट है. okay. उसके साथ अगर आपको वैसे मतलब दाल वगैरह तरह का कुछ खाना है तो उसमें मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन मिल जाएगा, ग्रेवी मंचूरियन मिल जाएगा आपको. Alright. चिल्ली चिकन वगैरह आपको मिल जाएगा उसके साथ में. हाँ 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 जी. तो अभी तो जैसे हम दो लोग हैं, मैं और शाहिद, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्राइड राइस जी, दो एग चाहिए जी, दो कॉफ़ी जी और दो पराठे. यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर हम आगे और आपको बताएंगे मेन्यू में क्या चाहिए. ठीक है जी सर. तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं ऑर्डर कर चुका हूँ और सो अभी हम चलते हैं नीचे जहाँ पे सिटिंग एरिया है वहाँ बैठ के हम खाएंगे. ऑर्डर मैं कर चुका हूँ, अभी इनसे बात करते हैं. तो भैया यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ें हैं जैसे मोमोज वगैरह के अलावा, किसी को लंच करना हो तो क्या स्पेशल क्या उसके लिए? स्पेशल लंच में तो जैसे हमारा चाइनीज रोटी चलता है, फ्राइड राइस, मंचूरियन ग्रेवी या ग्रेवी रोल और क्या बोलते हैं ग्रेवी मोमो. हाँ दोनों ठीक है. ग्रेवी रोल, चिल्ली चिकन ग्रेवी भी बन जाता है. okay. अगर फ्राइड राइस का आप चीज़ वाला तो 250 साल से आप ही यहाँ पे खा रहे हैं. हाँ, तो सारा कुछ नहीं. तो जैसे भैया ने बताया 250 साल ये पुराना रेस्टोरेंट है और भैया ही बनाते हैं. तो चलिए मैंने ऑर्डर कर दिया, आपने लिए फ्राइड राइस ऑर्डर किया है और मंचूरियन वगैरह. अभी मैं टेस्ट करता हूँ फिर मैं बताऊँगा मेरे को कैसा लगा. बिल्कुल ओके ओके थैंक्स. सो आपको यहाँ पे दो सीटिंग एरिया मिलेगा, एक टॉप पे और एक यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे. सो ऑर्डर आ चुका, क्या क्या भैया? फ्राइड राइस काफ़ी टेस्टी है जैसे मैंने आपको बताया था. भाई बेकार है, मैं तो मेरी गलती नहीं हुई. टाइम भी काफ़ी बढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा वेजीज में इन्होंने ऐड किया है. साथ में जो पराठा है उसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है. मेरा प्लान तो है रुकने का, बाकी देखते हैं. अभी कोई मूड नहीं है, मैं सोच रहा हूँ लैपटॉप भी मेरे पास, सब कुछ है. पूरी प्लानिंग है मेरी. खान में टेस्ट तो बहुत ज़्यादा है. कॉफ़ी लास्ट में मैं आपको देख सकते हैं कैसा भी बनता है तो ये है. फूड भी अच्छा है, कॉफ़ी भी काफ़ी बढ़िया है. शाउट रेट नाइन आउट ऑफ टेन, काफ़ी बढ़िया है, कॉस्ट एफिशिएंट है और कनेक्टिविटी भी काफ़ी. बिल्कुल रोड पे ही है, आपको बहुत अंदर ढूंढना नहीं पड़ेगा, रोड पे ही है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे आएँ और इस रेस्टोरेंट को विजिट करें.